नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप सब देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों एक बार फिर से सबसे पहले हम आपके लिए इंडियन एयरफोर्स की जॉब लेकर आए हैं, लेकिन आप सबको बता दूं ये जो जॉब आज मैं बताने वाला हूं, ये आप अगर देख रहे हैं आज वीडियो तो ये है सुरजीत सिंह की बदौलत, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और कहा था कि मैं इस बारे में आप सबको अलर्ट दूं, इस वैकेंसी के बारे में सबको बताऊं। वो बिहार के रहने वाले हैं तो बहुत अच्छा लगा उन्होंने मुझे जब मैसेज किया इस चीज के लिए कि आज भी है दुनिया में कुछ लोग जो वाकई में यार चाहते हैं कि सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, अपने इंडिया के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप भी अपने भारत के लिए सोचते हैं और सोचते हैं कि आपकी जो किस्मत में है वो आपको मिलके रहेगा, तो फिर फिकर छोड़िए, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो। चलिए अब मैं बात करता हूं, ये है इंडियन एयरफोर्स, 132 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में, 10th पास इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है, और जो भी है क्या एलिजिबिलिटी है सब कुछ बताऊंगा, बने रहेगा मेरे साथ। दोस्तों ग्रुप सी सिविलियन की पोस्ट है, ये जो पेज मैंने ओपन किया ये कौन सा है आप सबको बता दूं, ये एक हमारी वेबसाइट है समझ आया क्या .in, जिसके ऊपर मैं सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब डालता हूं और हमारे फेसबुक पेज पे। तो चलिए आपने यहां पे कैसे विजिट करना है, ये जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आप सबको मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके यहां पे खुद भी विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी पोस्ट की, जैसा कि मैंने आपको बताया 132 पोस्ट है, ये कहां पर निकली है, हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड में ये ऑलमोस्ट वैकेंसी है, और ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं और तकरीबन हर सिटी के लिए इसमें जॉब है। तो देखिए इसमें जो एलडीसी की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे कहते हैं, 4 पोस्टें हैं, स्टोर कीपर की 18, कुक के लिए 32, एमएस स्टाफ के लिए 65, सफाई वाला 5, एमटीएस 4, पेंटर एंड कारपेंटर 2 पोस्टें हैं, धोबी की 1 है, ये वूल कैंसरी कुछ पोस्ट है 2 है इसके लिए, वार्ड सखिया आए जिसे हम कहते हैं 2 पोस्टें इसके लिए है। एप्लीकेशन मोड आप सबका ऑफलाइन होगा, घर बैठे आपको बाय पोस्ट के थ्रू इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डिफेंस की जॉब है, अक्रॉस इंडिया में ऑलमोस्ट सभी सिटी के लिए जॉब निकली हुई है, मैं आपको बताऊंगा, वो बने रहेगा मेरे साथ। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेन चीज की, क्वालिफिकेशन की। चलिए उससे पहले आपको एज लिमिट बता दूं, इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 साल से लेकर 25 साल रखी गई है, तो देख लीजिएगा अगर आपकी एज लिमिट है तभी अप्लाई कीजिएगा। बाकी रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी को इसमें मिल रही है 5 सालों की छूट, ओबीसी को 3 सालों की, और भी बहुत सारी रिलैक्सेशन जैसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी मिल रही है। प्लीज आप लोग जो है डिटेल एडवर्टाइजमेंट जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने ये दिया हुआ है। अब मैं आप सबको इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है मेन वो मुद्दा बता देता हूं। अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए या उसके बराबर जो भी होता है वो चीज, उसके साथ आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ इंग्लिश टाइपिंग करना आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, हिंदी में टाइपिंग आ जाती है 30 वर्ड पर मिनट तो वो भी चल जाएगी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश जो भी आती है वो देख लीजिएगा। अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास, उसके साथ ये एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस का मतलब होता है अगर आपके पास है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो तब भी ठीक है, यानी कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ क्वालिफिकेशन के साथ भी, तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। बिना पैसे की पोस्ट आपको मिल रही है यार, कहां आपको खर्चा आएगा, पोस्टिंग का है तो 100-200 रुपया तो आप ऐसे खा देते हो, इतना भी मुझे नहीं लगता आपका खर्चा आएगा। बाकी कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए 10वीं पास रखी गई है, लेकिन विद 6 मंथ का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इन द ट्रेड, ठीक है, इस ट्रेड से रिलेटेड, तो अगर आप हैं तो तभी कीजिएगा, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। बाकी एमएस स्टाफ के लिए 10वीं पास, उसके बराबर कुछ भी या फिर एक्सपीरियंस डिजायरेबल। आपको बता दूं बाकी जितनी भी पोस्टें हैं ऑलमोस्ट सब में 10वीं पास है और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास उस ट्रेड से रिलेटेड है तो ठीक है, वरना आप तब भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद सिर्फ एक पोस्ट बचती है, वो है पेंटर एंड कारपेंटर की पोस्ट, उसमें इन्होंने कहा हुआ है कि आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपने आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड से रिलेटेड। बाकी जितनी भी पोस्टें मैंने आपको बताई सब में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास ही चाहिए, वो जो 2 पोस्टें थी लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टोरकीपर की पोस्ट को छोड़कर। अब हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले बता दूं 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म सेंड करना है, जिसकी लास्ट डेट अगर हम बोलें तो 5 नवंबर 2017 बनेगी। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे आप जाके डिटेल ले सकते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना है तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है पीछे से, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं। फिर से बता दूं ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, आपने यहां पहुंच के यहां पे क्लिक करना है,
इसके अंदर अगर हम बात करें तो कुछ आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, तो आप अपने सेंटर के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं या फिर अगर दूसरी स्टेट में करना चाहते हैं तो कर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों आपका कहीं भी आ सकता है ऑल ओवर इंडिया में, तो ऐसा मत सोचिएगा आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी में आएगा। अब पहली बात ये कि आपको ये फॉर्म सारा चिट्ठी बनाकर कहां पे सेंड करना है। ये जो आप एड्रेस यहां पे देख रहे हैं असम, गुवाहाटी, दिल्ली, बेंगलोर, जहां का भी है, आप जहां पे अप्लाई करना चाहते हैं वो एड्रेस यहां पे दिया हुआ है। आप उस चीज को देखेंगे और इस एड्रेस पे फॉर्म सेंड करेंगे। एक चीज आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूं। अब सबसे जरूरी बात कि आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या अटैच करने हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने के लिए आपको बता दूं इसके अंदर इन्होंने रखा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपका डिप्लोमा मार्कशीट दोनों भेज दीजिएगा। एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर कोई चाहिए, जैसे अगर कोई एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई करना चाहता है तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज दीजिएगा। उसके साथ इन्होंने कहा वन सेल्फ एड्रेस एनवेलप होना चाहिए जिसके ऊपर ₹5 की आपने स्टाम्प जो है वो लगानी है, ठीक है। और इन्होंने कहा है टाइप एंड नीटली हैंड रिटन इन इंग्लिश, हाथों के साथ ही आपने इसको फिल करना है। एप्लीकेशन शुड प्रोमिनेटेड एनुएशन ऑन हिज कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन, ये चीजें आप उसके ऊपर जरूर लिख दीजिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये आपको कॉल कर सके। अब रही एप्लीकेशन फॉर्म की, तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसी फॉर्म के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे मिल रहा है, जो कि यहां से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और यूनिट मैंने आपको बताया ये जो यहाँ पे एड्रेस थे मैं मिनिमाइज करके आपको बताता हूँ, ये जो यूनिट थे ये है यूनिट, आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए, सबसे पहले आपने वो लिखना है। ये चीज यहां से लेके एप्लीकेशन से लेके नीचे तक आप A4 साइज में प्रिंट करवा लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा ये जो फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑनली है इसको अलग पेज पर, यहां से लेके नीचे तक और ऊपर वाला अलग पेज पर, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको फिल करना बता देता हूं, फिर से बता दूं ये जो पोर्शन है एप्लीकेशन से लेके सिग्नेचर तक आपने अलग पेज पे A4 साइज, अलग टाइपराइटर को बोलिएगा A4 साइज पे मुझे प्रिंट निकाल के दीजिए, और नीचे वाला भी A4 साइज पे ही आपने निकालना है पेज पे, ठीक है, अलग अलग पेज पे। अब चलिए हम फिल करके देखते हैं। सबसे पहले पोस्ट ऑफ द अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MAS, कुक, बाबर, जो भी पोस्टें थी उसके लिए। फिर अपना नाम दीजिए बड़े अक्षरों में, फिर पापा का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ दीजिए 5 नवंबर 2017, 1996 जो भी है। उसके बाद बताइए आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो चुके हैं 6 नंबर कॉलम में। फिर आपने हाउस नंबर, स्टेट, पिन कोड, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। परमानेंट एड्रेस होता है जहां पे आप फिलहाल आपका होम है, अपना घर है, जैसे किसी की ट्रांसफर हो चुकी है तो वो नहीं, उसके लिए हम कहते हैं कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आपने यहां पे देना है अपना परमानेंट एड्रेस। 8 नंबर कॉलम में है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट चीज इन्होंने पूछी हुई है, आप SC से हैं, OBC हैं, जिससे भी हैं उसे टिक लगाकर उसके साथ अटैच जरूर कर दीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप बताएंगे यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट जरूर अटैच कीजिएगा। एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है कोई एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन तो वो बता दीजिए, कंप्यूटर, डिप्लोमा, जो भी है। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी के अप्लाई कर रहे हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो है वो है तो बताइए। डोमिसाइल आपका कौन सी स्टेट का है ये आपने जरूर बताना है, और साथ में अटैच भी जरूर कीजिएगा। वेदर रजिस्टर्ड, नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है अगर आप उसके साथ रजिस्टर्ड हैं तो उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर बनता है वो जरूर बता दीजिएगा। उसके बाद डेट सिग्नेचर करके जल्दी से फॉर्म को सेंड मत कीजिएगा। ये जो फॉर ऑफिस रिकॉर्ड ऑनली है इसमें भी आपने फिल करना है, लेकिन क्या वो मैं आपको बता देता हूं। 1, 2, 3, 4 नंबर पे तो आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये 4 कॉलम। नीचे आपने एक्नॉलेजमेंट एडमिट कार्ड है ये आपने लिखना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, फिर नेम, पापा का नाम, एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस, यहां पे आप करंटली रह रहे हैं, आप रेंट पे रह रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं, वो एड्रेस आपने यहां पे लिखना है। उसके बाद ये इंडेक्स नंबर, डेट नंबर, ये वो खुद लिखेंगे, आप लोगों ने नहीं लिखना है। उसके बाद ये सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर वो करेंगे, तो बस इतना ही है। इस फॉर्म को जल्दी से बाय पोस्ट के थ्रू जल्दी से सेंड कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक शेयर और एक लाइक सुजीत सिंह के नाम पे जरूर कीजिएगा, और हर इंडियन के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं उसी पे सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब अपडेट करता हूं, तो आप सिंपल फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा,
सिर्फ सेम हमारा लोगो होगा वहां पे भी इसी तरह से, तो उसे देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?